आरपीएफ सिवान के तत्वाधान में आयोजित हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान कार्यक्रम। आपको बता दें कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर श्री तारिक अहमद एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ बनारसी डॉक्टर अभिषेक के पर्यवेक्षण में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरपीएफ द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में दिनांक 16/7/2022 को आरपीएफ सिवान के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार यादव द्वारा सिवान जिले के स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह को बल पोस्ट पर सम्मान बुलाकर मंडल मुख्यालय से प्राप्त स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र साल के साथ सम्मानित किया गया तथा स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरुल हक मजार पर चादर चढ़ाया गया तथा पुष्पांजलि अर्पित भी किया गया। इस दौरान आरपीएफ मित्र एवं स्वतंत्रता सेनानी के परिजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने आरपीएफ एवं रेल प्रशासन को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा आरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की काफी ही प्रशंसा की। उस कार्यक्रम में संजय पांडे, बिजभूषण सिंह, कुमार प्रिय रंजन, नागेंद्र यादव, अनिल कुमार तथा आरपीएफ मित्र डॉक्टर एस आर मुन्ना प्रधान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता सेनानी का आरपीएफ के द्वारा सम्मानित होना बहुत ऐतिहासिक बात है, बहुत गर्व की बात है। आउट ऑफ नाइन ये काम हुआ, मैं तो हृदय से आरपीएफ का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो इतिहास है आज़ादी की लड़ाई, उसको याद करने की ज़रूरत है और उनके सपनों के अनुसार भारत बनाने की है। और आरपीएफ के लोग थोड़ा ही मात्रा में आंशिक रूप से उस लाइन पर चल रहे हैं, यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये लोग औरों से अलग हैं, इनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, हृदय से सम्मानित करता हूँ। ये नया इतिहास बन रहा है कि आरपीएफ के लोग स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करते हैं। उन लोगों को जो देश के लिए शहीद हुए हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी हों या कोई सैनिक हो, उन लोगों को आरपीएफ के द्वारा याद करना, उन्हें सम्मानित करना एक बहुत ही महत्व की बात है, अलग ऐतिहासिक बात है। इसका जो भी पढ़ेगा सुनेगा वो आश्चर्यचकित हो जाएगा।